हेलो एवरीवन, मैं वर्षा नाथानी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वर्षा नाथानी। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक हाइप प्रोडक्ट का रिव्यू। जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ वो है एक मॉइस्चराइजर। ये इतना ज्यादा हाइप है कि पूछो मत, काफी टाइम से ये हाइप है, बट मैंने इसको अभी 2-3 महीने से ही इसको यूज करना स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा कि अब मैंने इसको यूज कर लिया, एक मुझे मालूम पड़ गया कि वो कैसा प्रोडक्ट है, तो मैंने सोचा अब रिव्यू करते हैं, ये सही टाइम है। हालांकि मुझे मालूम है काफी ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है इस तरीके से पॉन्ड्स का लाइट जेल मॉइस्चराइजर, जो कि इस तरीके से है। ये काफी बड़ा मेरे पास कंटेनर है, बाकी इसमें छोटा भी आता है, तो हम इसका रिव्यू करेंगे। एंड जो रिव्यू होगा बिल्कुल ही ऑनेस्ट होगा, इसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बढ़ा चढ़ा के बताऊंगी या इसको अंडररेट करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जो कंटेंट आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे देखने को मिलता रहेगा, चाहे जैसे कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स का रिव्यू हो गया, हेयर केयर प्रोडक्ट्स का रिव्यू हो गया, मेकअप हैक्स हो गए, मेकअप टिप्स हो गई, हॉल वीडियोज हो गए, इस तरह का जो भी कंटेंट है ना आपको टाइम टू टाइम बेसिस पर देखने को मिलता रहेगा। एंड यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी शो हो जाएगी, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस मॉइस्चराइजर की प्राइस की। ये जो है वो बड़ा कंटेनर है तो ऑब्वियस इसका प्राइस ज्यादा होगा, बट इसमें ऐसा छोटू सा भी आता है, यहाँ पे मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। वो आई थिंक 65 रुपीज का आता है, वो इतनी छोटी सी इस तरीके से इतनी छोटी आई थिंक, हाँ इतनी छोटी तो आती है वो कंटेनर में आता है ये मॉइस्चराइजर। अगर आप बिगनर हो, आप पहली बार इसको ट्राई कर रहे हो, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी कि आप 65 रुपीज वाली वही लीजिएगा, क्योंकि आपने पहली बार यूज करो, अगर आपको नहीं पसंद आई, आपके स्किन पे नहीं सूट की, तो वो इतना छोटा ही आपका बेकार जाएगा, बाकी आपको इतना बड़ा कंटेनर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए इतना बड़ा कंटेनर ले लिया। एंड इसके साथ भी और भी है जो कि मैंने खाली कर चुकी हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा खाली है, मतलब कुछ ही नहीं है, मैंने एक बूंद भी कह सकते हो या एक मतलब ड्रॉप भी नहीं छोड़ी है, इतना मैंने इसको खाली कर लिया। इसके बाद ये दूसरा है, वो भी थोड़ा ही यूज हुआ है, इतना यूज नहीं हुआ है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो देखो मतलब है ऐसे भरा हुआ, बट थोड़ा मैंने यूज किया है, ये तो मैंने पूरा ही खाली कर दिया। तो मैंने सोचा कि एक टब जब मैंने इसका खाली कर दिया, यानी कि एक कंटेनर मैंने इसका खाली कर दिया, तो मैंने सोचा कि अब इसका ठीक टाइम है इसको रिव्यू करने का। सबसे पहली बात, ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। जी हाँ, बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। अगर आप हाई टू हैंड मॉइस्चराइजर में डालोगे तो बहुत ज्यादा महंगे भी आते हैं, ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। एंड हाँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपकी स्किन के लिए नहीं है। जी नहीं, फिर तो आपका मतलब बेकार ही है इसमें इन्वेस्ट करना, आप मत जाइएगा अगर आपकी ड्राई स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या मतलब एक और कौन सी सेंसिटिव स्किन है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी स्किन वैसी है कि कुछ भी लगाओ स्वेटिंग हो जाती है, जैसे कि कुछ ऐसी क्रीम्स है, जैसे कि मैं एक दो का ही नाम लूंगी, ऐसा किसी का डर नहीं है, बट मैं जैसे फेयर एंड लवली आती है क्रीम, हालांकि मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ, बहुत ही कम, रेयर ही मैं यूज करती हूँ, बट जब भी मैं यूज करती हूँ मुझे इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है उसको लगाने के बाद। ऐसा नहीं है अभी से मैं किसी चीज की बुराई नहीं कर रही, बट वो मुझे सूट नहीं करती, हो सकता है वो आपको सूट करती हो, बट वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। उसको लगाने से मेरे मतलब फेस पे इस तरह से स्वेटिंग होती है, अभी भी आप देख सकते हो स्वेटिंग हो रही है, मेरे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो मेरे मतलब फेस पे इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है कि मैं उसको मुश्किल ही रख पाती हूँ। एक वो सनस्क्रीन आती है लैक्मी की, जो ऑरेंज कलर का ट्यूब से आता है, इस तरीके से एक ट्यूब आता है, मतलब सनस्क्रीन में होती है, वो भी मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। तो कुछ ऐसी क्रीम्स है जो कि मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती है, सूट इन सेंस ऐसा नहीं कि मेरी को पिंपल्स हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे स्वेटिंग बहुत होती है, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं इरिटेशन होती है, मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। आई डोंट नो मेरा क्या है, बट मुझे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए मैं कुछ ही प्रोडक्ट्स यूज कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं फेयर एंड लवली भी यूज नहीं कर पाती, या ऐसी सनस्क्रीन जो हो गई बिल्कुल थिक हो गई वो भी मैं सूट नहीं मतलब यूज नहीं कर पाती। मेरी जो स्किन का टाइप है वो है कॉम्बिनेशन स्किन, मेरा ये जो टी एरिया है मतलब कि ये जगह, ये बिल्कुल ही ऑयली है एंड बाकी की स्किन नॉर्मल है, मैं ये नहीं कहूंगी ड्राई है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, बट इस वजह से कि मुझे काफी कम प्रोडक्ट सूट कर पाते हैं क्योंकि मुझे स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो इसलिए मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट को यूज करती हूँ। अगर इसकी बात की जाए इस वाले मॉइस्चराइजर की, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बिगनर हो तो छोटे मोटे इन्वेस्ट कीजिएगा अगर पहली बार लगा रहे हो। अगर इसकी बात की जाए तो ये बिल्कुल लाइट मॉइस्चराइजर है, क्योंकि मुझे स्टिकी वाले बिल्कुल भी सूट नहीं कर पाते, तो ये जो है वो बिल्कुल लाइट है, इस तरीके से अगर आप देखो
तो ये बिल्कुल लाइट है इस तरीके से, बिल्कुल जेल फॉर्मूला है जो कि इसमें लिखा हुआ है, एंड इसमें हाइलुरोनिक एसिड एसिड है, एंड इसमें और भी कुछ है, विटामिन ई है। तो ये आपकी हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, आपकी स्किन को मतलब सपल बनाता है, स्मूथ बनाता है, बाउंसी बनाता है, एंड हेल्दी ग्लो देता है। ग्लो देता है बट वो हेल्दी ग्लो देता है, मतलब कि आपकी स्किन को बिना कोई यू नो मतलब ड्राई किए एंड बिना कोई दिक्कत दिए आपकी स्किन को वो हल्का सा ग्लो देता है, एक नरिशमेंट देता है, एक हाइड्रेशन देता है। अगर आप बच्चों की स्किन देखो तो अगर आप बच्चों की स्किन पे ऐसे इस तरह से हाथ लगाओ तो उनके एकदम से बाउंस होता है, तो उसको बोलते हैं बाउंसी स्किन। हालांकि मेरी नहीं है क्योंकि बच्चों की होती है वो, बट हाइलुरोनिक एसिड वही करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है, हाइड्रेशन देता है या अच्छा ग्लो देता है, हेल्दी ग्लो देता है। तो ये आपकी स्किन को कहीं ना कहीं बाउंसी बनाता है हाइलुरोनिक एसिड, तो इसमें वो है। बट मैं अगर बात करूं मैं इसको क्यों यूज करती हूँ, मैं इसको अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ, पहले मैं इसको कैसे यूज करती हूँ, पहले मैं क्या करती हूँ, अपना फेस वॉश लेती हूँ, फेस वॉश करती हूँ। टोनर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे टोनर नहीं सूट करता तो मैं नहीं यूज करती टोनर, मैं डायरेक्ट फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, देन इसका अपना सनस्क्रीन यूज करती हूँ, मैं इस तरीके से यूज करती हूँ। तो अगर मैं अपने इसको फेस पे लगाऊँ ना, अब आप देखो ये बिल्कुल इजी टू एब्जॉर्ब है एंड बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता इसको एब्जॉर्ब करने में, एंड बहुत ज्यादा लाइट है तो मुझे ये काफी ठीक लगता है, एंड बिल्कुल भी इसके बाद मेरे को स्वेटिंग नहीं रहती, सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए मैं काफी कम प्रोडक्ट्स पे स्विच करती हूँ, काफी लाइट प्रोडक्ट्स पे ही मैं ज्यादा तो स्विच करती हूँ, जो हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेरी स्किन के लिए बिल्कुल ही नहीं है। एंड अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है, तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी जितने भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर होते हैं तो आप उनको ही यूज कीजिए, क्योंकि जो हैवी या थिक जो क्रीम वाले होते हैं ना मॉइस्चराइजर, वो हम लोग के लिए नहीं है, वो ड्राई स्किन वालों के लिए। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लगाया, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने बहुत ज्यादा मोटी लेयर लगाई है या इस तरीके से बहुत ज्यादा ग्लो भी नहीं दे रहा हमारी स्किन, क्योंकि बहुत से मॉइस्चराइजर क्या करते हैं बहुत ज्यादा ग्लो दे देते हैं या बहुत ज्यादा यू नो शाइनी शाइनी सा दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल लाइट है, इजी टू एब्जॉर्ब है, इसको आप 3 से 4 बार भी यूज कर लो ना कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे लिए काफी अच्छा मॉइस्चराइजर, सबसे बड़ी बात ये अफोर्डेबल है एंड मेरी स्किन पर स्वेटिंग नहीं होती एंड बहुत ज्यादा थिक नहीं है, मतलब बिल्कुल लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, तो मुझे लगता है काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आपको एक बार इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपकी सेंसिटिव कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसमें मत जाना, वरना फिर आप कहोगे कि मेरे को कि आपने मतलब बेकार प्रोडक्ट बता दिया या आपने ऑनेस्ट रिव्यू नहीं किया। ड्राई स्किन वालों के लिए प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं ये बात फिर से कहूंगी, ड्राई स्किन वालों के लिए प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपकी बहुत ज्यादा स्किन पतली है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, कुछ भी लगा लेते हो या मेकअप करते हो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो ये मॉइस्चराइजर आपके लिए है, बिल्कुल लाइट मॉइस्चराइजर है, आपको कोई स्वेटिंग भी फील नहीं होगी, बहुत ज्यादा थिक भी फील नहीं होगा, एंड इसको लगाने के बाद मॉइस्चराइज करने के बाद अपने फेस को इसका अपना मेकअप भी स्टार्ट कर सकते हो, इससे स्किन काफी अच्छी हाइड्रेट हो जाती है, जिससे कि मेकअप भी थोड़ा अच्छा लगता है। सो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी, काफी अच्छा है, अफोर्डेबल भी है एंड काफी अच्छा है, मतलब कि आप 3-4 बार यूज कर सकते हो दिन में, काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये। सो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जो कि मैंने अपने ऊपर ट्राई किया 3-4 महीने उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया। सो मैं फिर से कहूंगी ये हाईली रिकमेंड प्रोडक्ट है क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, एंड फिर भी कुछ अगर डाउट रह जाता है, कुछ भी ऐसी क्वेरी रह जाती है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाई हूँ, तो आप मुझसे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हों। सो आई होप काफी हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो, अगर आप भी इसको यूज करने वाले हो या इसको खरीदने वाले हो तो आपके लिए काफी हेल्प रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, किसी और प्रोडक्ट के साथ, तो चलिए तब तक के लिए बाय।